नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे, हमारे भारतीय रेलवे में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अब आने वाला है, क्योंकि एक बड़ी स्कीम जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि 2023 के बजट में लॉन्च हुई थी, उस स्कीम का पहला चरण कल लॉन्च हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अमृत भारत स्कीम के पहले चरण को लॉन्च करते हुए काफी अहम बातें करी और सामने आई कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, आखिर क्या नया होने वाला है भारतीय रेलवे में आने वाले सालों में। दोस्तों, एक वक्त था भारतीय रेलवे का जब एक इमेज बनी हुई थी लोगों के मन में कि भारतीय रेलवे में जो रेलवे स्टेशन हैं वो बहुत ही ज्यादा पुराने जर्जर हो चुके हैं, जहां दीवारों पर देखो वहां पर पान मसाला यही सब देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा गंदगी। इन सभी चीजों से निकल करके पिछले कुछ सालों में हमने देखा है छोटे बड़े रेलवे स्टेशन भी भारत के अब साफ लगने लगे हैं, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग भी इन चीजों में साथ दें। अब यही कारण है अमृत भारत स्कीम जो अब भारतीय रेलवे का पूरा कायाकल्प करने जा रही है, इसके तहत वर्ष 2023 में जब बजट में तय किया गया 1275 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम होगा भारत में। अब इसका चरणबद्ध तरीके से काम होना था 6 अगस्त 2023। अब इस योजना का पहला चरण लॉन्च हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के पहले चरण का आरंभ किया। 508 रेलवे स्टेशनों को 1275 में से तय किया गया है कि अभी रीडेवलपमेंट का काम होगा पहले चरण में। अब कौन सी स्टेट के ज्यादा रेलवे स्टेशन को लिया गया है इस पहले चरण में, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। पहले कुछ खास बातें जानते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से इन 508 रेलवे स्टेशन को अब रीडेवलपमेंट का काम होने जा रहा है। इस योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस अमृत काल की शुरुआत में, जो कि हमारा अमृत महोत्सव हम बनाने जा रहे हैं, 75वां विकसित राष्ट्र बनने के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मतलब एक लॉन्ग टर्म का विजन लेकर के इस परियोजना को चालू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में देश के 27 केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम होगा। पहले चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन दोनों के विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21-21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18-18, हरियाणा के 15 और कर्नाटक के 13 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना यह भी है कि स्टेशनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होंगे, जैसे कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन हमारे राम मंदिर जो अभी निर्माण हो रहा है उससे प्रेरित है, तो कुछ इसी तरीके से रेलवे स्टेशनों की थीम भी रखी जाएगी। स्टेशनों में दिव्यांग जनों की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग भी होगी, अलग अलग एंट्री और एग्जिट के गेट होंगे, एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी हर रेलवे स्टेशन को जिसको तय किया गया है उसके अंदर, लिफ्ट और एस्केलेटर इन सभी रेलवे स्टेशन पे बनने हैं, मुफ्त वाईफाई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमारे एयरपोर्ट्स में होते हैं उस तरीके से और भी इन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा पीपीपी पार्टनरशिप के जरिए, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन, ये सभी पीपीपी पार्टनरशिप से ही होगा जहां तक मुझे लगता है। इससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में ही काफी अच्छा रोजगार मेरे को लगता है कि बढ़ेगा दोस्तों, और जनता को बहुत ज्यादा अच्छी अमेनिटीज का फायदा उठाने को मिलेगा। इसमें सब लोग बराबर होंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर, जो भी रेलवे स्टेशन पे आता है उसको इन सभी सुविधाओं के लिए कोई अलग से खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है। आगे इसमें और बातें करें, इस योजना के तहत विकसित किए गए जो स्टेशन होंगे उसमें यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ ट्रैफिक सर्कुलेशन और इंटर मॉडल इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण मतलब लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के बनाई गई है। लगभग बताया जा रहा है कि 2030 तक इसका एक विजन लिया जा रहा है कि हमारा भारतीय रेलवे बहुत अलग दिखेगा। जिस तरीके की फुटेज अभी एनिमेशन के जरिए रेलवे स्टेशन की दिखाई जा रही है उस टाइम पर वो बनके तैयार हो चुके होंगे। तो ये एक पहला चरण है दोस्तों भारतीय रेलवे को बहुत ज्यादा सुपीरियर बनाने के लिए, और ऐसे में जब हमारे पास अच्छे रेलवे स्टेशन होंगे जो साफ सुथरे होंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी इसकी सुरक्षा करें। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अभी कुछ वक्त से जब हम साफ सुथरे रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब फ्लोर बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है तो बहुत से लोग जो पहले थूक दिया करते थे, गंदगी फेंक दिया करते थे, रैपर फेंक दिया करते थे, वो थोड़ा हिचकते हैं अब, कहीं उनको कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा है ना। ऐसे ही बदलाव आएगा, और जब साफ सुथरा है तब भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं
कि शायद वो गंदगी फैलाएं, तो ऐसे में टोकने वालों की संख्या भी अब बढ़ गई है। हम लोग अगर टोकेंगे नहीं उन, तो हमारे रेलवे स्टेशन साफ सुथरे आगे नहीं रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मुझे काफी अच्छा कदम ये लग रहा है। अमृत भारत स्कीम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों के राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि इसके तहत अब डेवलप होने वाला है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको कितनी खुशी है उसके लिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है भारतीय रेलवे के स्टेशन का अमृत भारत योजना के जरिए, एक ऐसी ही योजना भारतीय रेलवे तैयार करे, मास्टर प्लान तैयार करे, जिसके तहत हम लोग अपने भारतीय रेलवे के जो इतने लंबे ट्रैक्स हैं उनको धीरे धीरे ही सही लेकिन बदलना शुरू करें। उसमें कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि जो स्पीड है सेफ्टी के अकॉर्डिंग बढ़ जाए, सेफ्टी भी रहे और स्पीड भी मिले ट्रेन्स को। हम ट्रेन्स पे काम कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं, हम ट्रैक्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई नई चीज अप्लाई नहीं कर रहे कि हाँ ये ट्रैक अब बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। सिग्नलिंग सिस्टम में बहुत काम किया है, आगे भी होगा मानता हूं, लेकिन जो पटरियां हैं, जो रेल्स हैं, उनको कई जगहों पर अभी भी बदलने की जरूरत है। जो स्लीपर्स इधर उधर पड़े रहते हैं उनको भी हटाने की जरूरत है। जो भी रेलवे का सामान ट्रैक के पास पड़ा रहता है, क्योंकि उससे खतरा रहता है कई अराजक तत्व जो है इसका इस्तेमाल ट्रैक के ऊपर रखने के लिए और एक्सीडेंट करवाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कई सारे सुझाव भी आते हैं, तो आज इसलिए मैंने इस बात को भी करा। हालांकि मिशन रफ्तार इस तरीके का एक प्लान था, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट्स के लिए था, लेकिन हमें सिर्फ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर ही काम नहीं करना है, देश के और भी बहुत बड़े हिस्से हैं, पूरे भारत में इस तरीके की योजना की जरूरत है। आप लोगों का क्या मानना है, क्या इस तरीके के मास्टर प्लान रेलवे को तैयार करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर इसको अप्लाई करना शुरू करा तो कई मात्रा में ट्रेन्स लेट होंगी, हो सकता है ऐसा, तो रेलवे को बहुत ज्यादा सोच समझ के इसको एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए कि ट्रेन कम से कम लेट हो और हम लोग जोन वाइज धीरे धीरे ट्रैक्स को चेंज करते चले जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी ट्रेनों के करीब करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचिज में LED लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है।